लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। गुरुवार रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मंथन के बाद मुहर लग चुकी है। इसका टिकट कटने वाला है, किसकी लॉटरी लगने वाली है इसका पता किसी भी वक्त चल जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में बड़ा सरप्राइज दे सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ बड़े नामों का भी ऐलान पहली लिस्ट में ही हो सकता है। लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को उड़ीसा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिडला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा और आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जबकि करीब 70 से 80 ऐसे नाम हो सकते हैं जिन सीटों पर बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में हार गई थी। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल की 4 सीटों पर भी बीजेपी पूरी तरह से फोकस इसलिए कर रही है क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी चाहती है कि हिमाचल की चारों सीटों को इस बार जीत लिया जाए। इसके चलते बीजेपी हिमाचल में चल रहे सियासी उठापटक का पूरा लाभ उठाना चाह रही है। बीजेपी इस बवंडर को ऐसे ही उछाल देने की रणनीति पर काम कर रही है। हो सकता है कि आजकल में बीजेपी हिमाचल को लेकर कोई बड़ा धमाका कर दे। यहाँ याद रखना होगा कि इसमें हर्ष महाजन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।